हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जो है न्यू कराची आए हैं। यहाँ पे खतरी बिरयानी बड़ी मशहूर है, तो यहाँ की कौन कौन सी बिरयानी है और कितने साल पुरानी ये दुकान है, तो आपको तमाम डिटेल दिखाते हैं आज के व्लॉग में। तो व्लॉग का आगाज करते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? कराची आए और फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए, हमें पता नहीं है कि पहली दुकान कौन सी है और यहाँ पे मशहूर किसकी है। और जहाँ पर ये इस बिरयानी को फेमस करने वाले जो है ना, वो मेरे वालिद साहब है। देखिए मैं माशाल्लाह से यहाँ पे जो है अपनी बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद भाई माशाल्लाह से कितनी पुरानी दुकान है? सर ये तकरीबन मेरा जहाँ तक अंदाजा 20 या 35 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल भाई माशाल्लाह से खतरी बिरयानी खा रहे हैं बीफ की, कैसी लगती है ये? बहुत आला माशाल्लाह। देखिए मैं यहाँ पे जबरदस्त सी जो है ना खतरी बिरयानी आ गई है और इसके अंदर देखे आप बहुत ही बोटियाँ भरी हुई। देखें हाजी मोहम्मद कादरी खतरी और यहाँ पे अली रजा मोहम्मद अली कादरी, यहाँ मुख्तलिफ पूरी गली है माशाल्लाह से। देखिए न्यू कराची के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की बिरयानियाँ हैं। मोहम्मद अली कादरी है, अली रजा है, हाजी उमर इकबाल है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है खतरी बिरयानी पार्सल हो रही है, इनका मसाला बड़ा मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। एक दो पीस रखने से बिरयानी बरकरार रहती है। देखिए फिर अभी हम जो है मोहम्मद अली कादरी खतरी बिरयानी पे आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद बेद। बेद भाई ये बताएं, हम जाहिर सी न्यू कराची आए और फर्स्ट टाइम इस जगह पे आए, हमें पता नहीं है कि पहली दुकान कौन सी है और यहाँ पे मशहूर किसकी है। बेशक ये ऐसी बात आपने बिल्कुल सही की है, यहाँ पर आगे काफ कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये इतनी पूरी मार्केट बन गई खतरी बिरयानी की। और जहाँ पर ये इस बिरयानी को फेमस करने वाले जो है ना, वो मेरे वालिद साहब है। और इससे पहले जो लगाते थे वो इकबाल निजामी बराबर वाला, लेकिन वो पीए पे लगाते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा काम करने का सोचा नहीं था। फिर मेरे वालिद साहब ने ये करा के यहाँ पर दुकान ली, काम को वसी करा अलहमदुल्ला। फिर उसके बाद इकबाल निजामी आया फिर यहाँ पर। अच्छा जी, तो यानी कि आपके वालिद बहुत पुराने हैं। कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? हमारी तकरीबन इसको 25-30 साल हो गए इस दुकान को। अच्छा 25-30 साल, के टेस्ट आपका पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका जो है, आपके पास कौन कौन सी बिरयानी होती है? सिर्फ खतरी बिरयानी होती है, वो जो मसाले वाली होती है, ऊपर से निकाल निकाल के मसाले लगाते हैं। हमारी बिरयानी थोड़ी डिफरेंट होती है, उसके अंदर मिक्सचर होते हैं मसाला और ऊपर चावल होते हैं, और उसका जो मसाला जो हमारे घाग लाइक करते हैं स्पेशली खतरी बिरयानी के अंदर क्वालिटी है। अच्छा चले अभी ट्राई करते हैं, बताते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिये मैं माशाला से यहाँ पे जो है खतरी बिरयानी, जी फ्रेंड्स यहाँ पे आप रेट भी देख सकते हैं मोहम्मद अली कादरी खतरी बिरयानी के। यहाँ पे फुल प्लेट के रेट भी लिखे हैं और हाफ प्लेट के भी। देखिए मैं यहाँ पे जबरदस्त सी जो है ना खतरी बिरयानी आ गई है, और इसके अंदर देखे आप बहुत ही बोटियाँ भरी हुई, जबरदस्त टेस्ट लग रहा है इसका। अभी आपको ट्राई करके बताते हैं। देखिए भाई ये जबरदस्त सी टेंडर बोटी है, और इसका जो मसाला है वो भी लगाते हैं। ये देखिए जबरदस्त बोटी है। एक्सेलेंट टेस्ट है माशाल्लाह से, और जो मैंने चुना तारीफ है खतरी बिरयानी की उससे भी अच्छी है। नॉर्मल टेस्ट है ना, मिर्चे और मसालों का जो है ना मज़ा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, और फील हो रहा है बकायदा कि इसके अंदर फ्रेशनेस है। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आए न्यू कराची के अंदर खतरी बिरयानी की ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आबिद अली। आबिद भाई माशाल्लाह से कितनी पुरानी दुकान है ये? सर ये तकरीबन मेरा जहाँ तक अंदाजा 20 या 25 साल तो हो। 20-25 साल, 20-25 साल से खतरी बिरयानी बिकी रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके वालिद साहब ने जो काम स्टार्ट किया था आप उसको आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड पीढ़ी चल रही है, थर्ड पीढ़ी चल रही है? नहीं हमें दूसरी है, दूसरी वालिद थे दूसरे हम। अच्छा आगे भी इंशाल्लाह दुनिया रहेगी तो चलते रहेगा काम, भाई दुआ है कि आगे काम चलता रहे और ये जो टेस्ट आप दे रहे हैं सबको आगे भी चलता रहे इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल भाई माशाल्लाह से खतरी बिरयानी खा रहे हैं, बीफ की। कैसी लगती है ये? बहुत आला माशाल्लाह। अच्छा कैसा टेस्ट है? बहुत वीआईपी। कितने अच्छे से खा रहे हैं? मैं तकरीबन 10-12 साल तो होगा। 10-12 साल से खतरी बिरयानी खा रहे हैं। तो घर में बेगम अच्छा नहीं बनाती जी? यहाँ खाने आ गए जब करना होता तो जब यहाँ आ जाते। यानी कि आपको जब कटोरा बनना चाहिए होता है तो खतरी बिरयानी आ जाते खाने के लिए। यानी कि इसका टेस्ट बता रहा है कि बहुत अच्छी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए न्यू कराची के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की बिरयानियाँ हैं। मोहम्मद अली कादरी है, अली रजा है, हाजी उमर इकबाल है, और यहाँ मोहम्मद हाजी मोहम्मद कादरी है, मोहम्मद साबिर कादरी है। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ बिरयानी है। और यहाँ पे आप आएँ तो आपको सब में 19-20 का टेस्ट लगेगा। बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का। देखिए मैंने यहाँ पे जो है खतरी बिरयानी पार्सल हो रही है। मसाले वाली बिरयानी इनका मसाला बड़ा मशहूर है देखने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। अच्छा बिलाल भाई माशाल्लाह कितने अरसे से लगा रहे हैं खतरी बिरयानी? भाई मेरे को मेरे वालिद साहब के साथ तकरीबन 22 से 25 साल हो गए। उससे पहले के मेरे वालिद साहब काम कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से। तो यहाँ पे सबसे पुरानी दुकान किसकी है? सबसे पुरानी यहाँ पर दो दुकानें हैं, हाजी इकबाल साहब की है, मोहम्मद अली कादरी है, उसके बाद ये। तो ये सबके तकरीबन 19-20 टेस्ट होते हैं। सबका अलग अलग हाथ के फर्क है और को मसाले तो वही है तकरीबन, हाथ का फर्क है। अच्छा तो हमने तो सारी ट्राई की यहाँ पे, तकरीबन मुझे 19-20 फर्क लगा। हाथ का फर्क है, आपके मसाले का टेस्ट है, उसकी बात ही कुछ और है। ये मसाले अपने वालिद साहब के हाथ के तैयार है, बाहर का इसमें कोई मसाला नहीं है। तो आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 10 से है शाम 5-6, 5:30 जो जब तक बाजार है उस हिसाब से। अच्छा रात में नहीं होती। तो आपने भी रात में सिर्फ रमजान में? अभी नई ब्रांच भी खोली है। अभी एक जगह जा रही है जमशेद रोड पे, बिरयानी तैयार होगी। अच्छा तो वो किस नाम से? वो भी खतरी बिरयानी से। अच्छा यानी कि पीआईबी और जमशेद रोड वाले लोग जी जी। देखिए मैं यहाँ पे माशाल्लाह से दिखाएं जरा क्या है आपके पास। अभी इंशाल्लाह गरम लगा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आप गरम हमारे सामने बोलती है भाई। एक दो पीस रखने से बिरयानी बरकरार रहती है। अच्छा तो थोड़ा गरम गरम रहती है। हाँ ये भाई नया पतीला आ गया भाई। ये तो क्या जबरदस्त धुएं निकल रहे हैं आपकी माशाल्लाह से। चलें अपने फैंस को हम बिल्कुल बोलेंगे भाई यहाँ पे आए फुल खतरी बिरयानी खाएं, जबरदस्त टेंडर गोश्त है। तो ये बछिया का गोश्त होता है? जी बिल्कुल प्योर बछिया का गोश्त होता है। ये आप लोग खुद कटवाते हैं? हमने गोश्त को अल्हम्दुलिल्लाह शाम को जाके बाड़े पे पसंद करके आते हैं, सुबह कमेले से 2 पीस होके अपने किचन पे बोटी बनती है। यानी कि आपकी हर चीज माशाल्लाह सीक्वेंस से चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, ये इसमें साफ सफाई का बड़ा ख्याल है, अल्लाह का बड़ा करम है। एक पार्सल है आपका। देखिए फ्रेंड्स अभी हम जो है मोहम्मद अली कादरी खतरी बिरयानी पे आए हैं, यहाँ पे सेकंड शॉप है और ये भी बड़ी मशहूर है, तो यहाँ भी बड़ी टेंडर रोटी और मसाला है, तो इनकी भी ट्राई करते हैं। जी फ्रेंड्स अभी मोहम्मद अली कादरी गरम गरम देख आई, उन्होंने इकरार किया तो हम ट्राई कर रहे हैं इनकी बिरयानी। तो यहाँ की भी जाहिर सी बात है खतरी की पूरी लाइन से दुकानें, हमने आपको हिस्ट्री बताई यहाँ की कौन कौन सी दुकानें। तो यहाँ देखें आप मसाला जबरदस्त किस्म का इनका स्पेशल मसाला खतरी बिरयानी का, गरम गरम धुएं निकल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है इसका भी। खतरी बिरादरी की जितनी भी दुकानें हैं माशाल्लाह से यहाँ पे सब आपस में कजन भी हैं और 19-20 फर्क है, इतना खाना टेस्ट डिफरेंट नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट है बिल्कुल। आप लोग आए यहाँ पे मुख्तलिफ दुकानें और हर दुकानों के अंदर जो है ना अलग अलग टेस्ट, और 2-3 दुकानें ऐसी हैं जिनका आपको तो आउटस्टैंडिंग टेस्ट है, जैसे मोहम्मद अली कादरी जहाँ आए हैं बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारा फेसबुक पेज भी ब्लॉग्स के नाम से, उसको फॉलो करें। इस ब्लॉग से मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
दो में रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।